हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव नॉलेज में। दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था नॉइस केस के बारे में। नॉइस केस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आप पिक्चर्स और कुछ लाइंस लिखकर आप BCH यानी बिटकॉइन केस अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिटकॉइन कैश को INR बैंक थ्रू कैसे विड्रॉ ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले जो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप अपना नॉइस केस खोल लें। उसको खोलने के बाद आप वैलेट पे जाएं। वैलेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो बिटकॉइन कैश की एड्रेस आपने सेट किया हुआ है, जैसे ही आपको कोई लाइक करता है तो वो बिटकॉइन कैश यहाँ पे सेट किए हुए एड्रेस पर जाता है। तो आपने अगर अभी तक सेट नहीं किया है तो आप उसके लिए एक वैलेट, बिटकॉइन कैश की वैलेट आप डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर को खोल लें। प्ले स्टोर को खोलने के बाद यहाँ पर सिंपली लिखें बिटकॉइन कैश और सर्च करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो वैलेट है इसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने की इसकी बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको अपना ईमेल अकाउंट यूज करना होता है और आप इसको क्रिएट कर लें। उसे क्रिएट करने के बाद आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप बिटकॉइन कैश की जो डिपॉजिट एड्रेस है आप उसे सबसे पहले निकालें। तो आप इसको खोलने के बाद रिसीट पे क्लिक करेंगे। रिसीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए BTC, ईथर, SLP कॉइन, ये जो कॉइन है इसके डिपॉजिट एड्रेस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, BCH की डिपॉजिट एड्रेस चाहिए। तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पर कॉपी एड्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एड्रेस कॉपी करने के बाद आप नॉइस केस को खोल लें। नॉइस केस खोलने के बाद इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप सेव कर लें। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। और ये मिनिमम पे आउट मैंने यहाँ पर 0.25 रखा हुआ, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ही मिनिमम पे आउट, जैसे मेरा पर यहाँ पर 0.25 है, तो जैसे ही मेरी BCH USD में 0.25 टच कर जाती है तो वो एड्रेस पर, ये वाले एड्रेस पर डिपॉजिट हो जाती है। तो आप यहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई लाइक करता है तो उसकी जो BCH है वो आपको बिटकॉइन कैश वैलेट पर डिपॉजिट हो जाती है। जैसे मेरा यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखा रहा है 1.59। अब आगे की प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस थ्रू आप BCH ही नहीं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप INR में विड्रॉ ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको एक और ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप की नाम है CoinDCX। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह है CoinDCX ऑफिशियल। आप यहाँ पर CoinDCX Pro लिख के जैसे ही प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ये वैलेट आपको शो हो जाएगा। तो इसे आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इस पर अकाउंट क्रिएट की। अकाउंट क्रिएट करने की बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसमें आपको इसमें जो यूज करना है वो है आपका ईमेल और मोबाइल नंबर। आप दोनों चीज़ यूज करके आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर लें। तो चलिए मैं CoinDCX ओपन करता हूँ। इस पर आप सिर्फ बिटकॉइन कैश ही नहीं, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी पे वॉक कर सकते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं एंड उसको INR में विड्रॉ ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद आप माई प्रोफाइल पे जाएं और अपना बैंक डिटेल आप फिल कर दें। और बैंक डिटेल फिल करने के बाद आप अपना KYC भी यहाँ पर फिल कर दें। आपको KYC और बैंक डिटेल कंप्लीट होने में 24 आवर टाइम लग सकता है। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो BCH की फंड है वो तो bitcoin.com वॉलेट पे रह गई, तो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है CoinDCX में।
आप चाहें तो क्वाइन डी सी एक्स की जो बी सी एच की डिपॉजिट एड्रेस है वो डायरेक्ट आप नॉइस केस में डाल सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें आएगा, फिर बीच में ये बिटकॉइन डॉट कॉम का कोई काम नहीं रहता है। पहले बिटकॉइन डॉट कॉम से यहाँ पर क्वाइन डी सी एक्स में आपके बी सी एच को ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए आप डिपॉजिट पे जाएं। डिपॉजिट में जाने के बाद आप यहाँ पर लिखें बी सी एच, जो भी कॉइन्स आप यहाँ पर ऐड करना है तो उसे आप यहाँ पर लिख दें। जैसे मैं बी सी एच को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बी सी एच लिख दें। देखिए यहाँ पर आ गया बिटकॉइन कैश। आप बिटकॉइन कैश को लाए, आप क्यू आर कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं स्कैन करके यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसकी स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप बिटकॉइन डॉट कॉम पर आएँ और सेंड पे क्लिक करें। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सी कॉइन ट्रांसफ़र करनी है, तो मेरे को बिटकॉइन कैश ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद आप स्कैन ए क्यूआर कोड पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक इमेज की आइकन दी हुई है, तो आप इस इमेज को क्लिक करें और उस स्क्रीन शॉट को, कॉइन डी सी एक्स की स्क्रीन शॉट को आप यहाँ पर लाएँ। ये रही मेरी कॉइन डी सी एक्स की स्क्रीन शॉट यहाँ पर आ गई। अब मैं कितना ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं सारे बिटकॉइन कैश को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो आप जैसे ही स्लाइड टू सेंड, जैसे ही आप इसको स्वाइप करेंगे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरे कॉइन डी सी एक्स अकाउंट पे। अब मैं कॉइन डी सी एक्स खोल के देखता हूँ कि यहाँ पर आया है कि नहीं। तो इस प्रोसेसिंग में 5 मिनट टाइम लग सकता है, तो आपको प्रोसेसिंग अगर देखनी है तो आप फंड पे आएँ। फंड पे आने के बाद आप हिस्ट्री पे क्लिक करें और हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आप वैलेट हिस्ट्री पे जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग अभी शो हो रहा है। तो ये पेंडिंग जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी जो बिटकॉइन केस की जो फंड है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाती है, अब हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन केस को INR में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो आप मार्केट पर आएँ। मार्केट पर आने के बाद आप यहाँ पर BCH लिखें और देखिए यहाँ पर उसकी पेयर लगी हुई है कि बिटकॉइन कैश को आप किस में बेचना चाहते हैं। BTC में बेचना चाहते हैं, BUSD में, INR में, TUSD में, USDT में। तो मेरे को INR में बेचना है। अभी जो इसकी प्राइस है वो है 48,627 रुपीज़। तो मैं BCH INR को यहाँ पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप सेल पे क्लिक करें। सेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएं कि आप कितना प्राइस पे बेचना चाहते हैं और लोगों ने यहाँ पर कितनी प्राइस पर इसकी पेयर लगाई हुई है। जो ग्रीन वाले डिजिट आपको दिखाए जा रहे हैं ये खरीदने वाले हैं और ये जो रेड वाले हैं ये बेचने वाले हैं। तो खरीदने वाले के अगर प्राइस पे हम अगर अपने BCH को बेचेंगे तो वो तुरंत बिक जाएगा, इंस्टेंट उसकी सेल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कितना BCH बेचना चाहते हैं, 100%, 50% या कितना परसेंट और कौन से प्राइस पे बेचना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक करें जिस प्राइस में आप बेचना चाहते हैं। अभी मार्केट प्राइस पे ही हम बेचते हैं इतना पे, और चलिए 50% अगर आप बेचना चाहते हैं तो इतनी INR की आपकी बिक्री होगी। अब जैसे ही सेल BCH पे क्लिक करेंगे तो आपकी बिटकॉइन कैश जो है वो INR में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे को तो अभी बेचना नहीं है, मैं अभी BCH होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो जैसे ही आप फंड को बेचते हैं, बेचने के बाद आप फंड में आएँ। फंड में आने के बाद आप INR वैलेट पे क्लिक करें। INR वैलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका INR में कितने रुपये हैं। उसके बाद आपको विड्रो INR पे क्लिक करना है। विड्रो INR पे क्लिक करने के बाद आपका, आपने जो बैंक अकाउंट ऐड किया है वो अकाउंट IFSC कोड और आपका नाम यहाँ पर दिखा देगा। और फिर आप कितना परसेंट रुपया आपको विड्रो करना है, आप अगर 100% पे क्लिक करेंगे तो आपको 100% जो आपका INR है वो विड्रो हो जाएगा। वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आती है। आप OTP को जैसे ही फिल करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में INR जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। सिर्फ बिटकॉइन कैश को ही नहीं, आप
कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन DCX पर ऐड है, आप उसे यहाँ पर खरीद बेच सकते हैं। तो कॉइन DCX क्या है? कॉइन DCX एक इंडियन एक्सचेंज है दोस्तों। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।